लोग आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में। एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसमें दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी भी है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को बर्खास्त भी कर दिया गया है। अब जिन लोगों को दोस्तों बर्खास्त किया गया है उनकी जगह वेटिंग आपकी आएगी, जो कि बढ़िया बात है सभी के लिए जिनकी भी वेटिंग का नाम होगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आजकल चर्चा में है और काफ़ी जो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वजह से देखने को मिला है। तो हर एक स्टेट में अच्छी अच्छी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को अच्छा जो है जॉब क्राइटेरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया जा रहा है और सैलरी व इंसेंटिव वगैरह में भी यहाँ पर अच्छा बढ़ावा देखा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नई अपडेट, जिसमें दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी और बहुत सारे कैंडिडेट्स को बर्खास्त कर दिया गया है। किस कारण से किया गया है, कौन से स्टेट की बात है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये साथियों देखिए यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं 243 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी जगह अब प्रतीक्षा सूची निकाली जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों कहाँ कहाँ पर यह किया गया है, दोस्तों बात है बिहार की, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं इसमें कितने CHO को बर्खास्त किया गया है और इनकी जगह दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या कंडीशन हुई। देखिए इसमें जो कंडीशन हुई थी दोस्तों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नवनियुक्त 243 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी CHO को बर्खास्त किया है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक राज संजय कुमार सिंह ने इन CHO को बर्खास्त कर दिया। क्यों किया गया था दोस्तों, 6 माह बाद भी योगदान नहीं दिए जाने के कारण इन सभी CHO को नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार इन सभी CHO को 16 दिसंबर 2022 के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया था, इन 24 दिसंबर 2022 तक योगदान देने को कहा फिर भी इन्होंने नहीं दिया, तो उनको दोस्तों बर्खास्त कर दिया गया है। अब इनकी जगह दोस्तों 243 जो CHO हैं इनकी जगह नियुक्ति प्रतीक्षा सूची वालों किया जाएगा, जो कैंडिडेट्स वेटिंग में रह गए थे और उनकी जगह वेटिंग निकाली जाएगी, उसके आधार पर उनको इनकी जगह पर लगाया जाएगा। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छी अपडेट है। और दोस्तों उन जो कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब दोस्तों उन कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा जो काफ़ी टाइम से वेटिंग का इंतजार कर रहे थे और वेटिंग भी आ चुकी थी, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का उसमें नाम नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी उनको अच्छा मौका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की लगातार अपडेट बताते रहते हैं और नर्सिंग से रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और बिहार के कैंडिडेट्स चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि उनका वेटिंग में नाम आएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।